गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे, सो अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है। तो ब्रेकफास्ट पे आज हमने खाया है पराठा और घुघनी, छोले का घुघनी जो बनाते काला चना जो है उससे मैंने घुघनी बनाया था। और वेदर का रिपोर्ट ये है कि सुबह थोड़ा बारिश हो रही थी लेकिन अभी फिर से गर्मी है। और आज कल मैंने प्रॉन करी बनाया था, उसका ब्लॉग बनाया था, आप लोग देखिएगा। मैंने ऑलमोस्ट एडिट कर लिया है, आज पोस्ट कर दूंगी। जब भी एडिट करने जाऊँ परी उठ जाती है इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ। तो हो चुका है शायद आज, मतलब अपलोड कर दूंगी। और आज है मतलब पापा परी को लेकर ऐसे घूम रहे थे, फिर बेलकनी से देखा नीचे लोकल चिकन जो देसी चिकन है वो बेच रहे थे एक आदमी। तो पापा ने बोला परी को पकड़ो, देख के आता हूँ मतलब चिकन। तो देख के आना मतलब क्या, लेके आ गए हैं पापा। छोटा सा चिकन है, मतलब 1 kg का जैसा होगा, तो वो चिकन लेके आए हैं। अभी काट के रख दिया है, आज चिकन बनेगा। मेरा बहुत दिनों से चिकन खाने का मन कर रहा था, 2 हफ्ते से मेरा चिकन खाने का मन कर रहा था लेकिन मैंने बताया नहीं, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो आता ही है। लेकिन 2 हफ्ते से पापा मटन ही लेके आ रहे हैं, मटन मुझे उतना खास पसंद नहीं है। और आज चिकन खाएंगे, कल प्रॉन मलाई करी खाया, फिर कल है हमारे मतलब रिलेटिव में मतलब परी का एक भाई का कल अन्नप्राशन है, तो हम लोग सब वहाँ पर जाएंगे। फिर वहाँ पर क्या खाएंगे पता नहीं, पेट का हालत ख़राब हो जाएगा। सो कल हम लोग तो थोड़ा लेट से जाएंगे, मतलब परी को ब्रेकफास्ट करवाना होता है। पहले तो दूध पीती थी तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, आजकल तो सॉलिड खाती है तो घर में बनाया हुआ ही खिलाती हूँ मैं। मैं अभी तक मैंने बाहर का मतलब बाज़ार का कोई भी कुछ नहीं खिलाया मैंने परी को, जितना हो सका घर में बना के खिलाती हूँ। ट्राई करती हूँ, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो शायद खिलाना पड़े, पर टपचुट अभी तक नहीं ज़रूरत पड़ी है, मैं घर से ही खिलाती हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि कल जाऊँगी जो मेरे पास तो साड़ी नहीं है, मैं उतना कुछ लेके नहीं आई हूँ बेंगलोर से। और यहाँ पर जो है वो पार्टी वेयर है, मतलब बनारसी वगैरह वो सब थोड़ी मैं पहनूंगी। तो मेरा एक ही काम है मम्मी से बस साड़ी लेना, मैं जहाँ भी जा रही हूँ आजकल मम्मी से साड़ी लेके जा रही हूँ। तो आज अभी फिर से मम्मी को मैंने बताया कि कल मेरे मुझे फिर और एक साड़ी दे देना। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ, पहले ही मैंने बहुत बकबक कर लिया है, तो चलिए शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। देखिए मम्मी के साड़ी के कलेक्शन। जितना गिनूं उतना कम है। मैंने ये 2 निकाल के रखा है अभी जो पहनूं। ये है रिकियानी तोशर, ये है तोशर, और ये है सिल्क साड़ी, देखती कौन सा पहनती हूँ। और ये है परी की प्रीटी प्रीटी को थे। और ये है पापा का रूम। बल्कि गाइस। तो हम लोग अभी लंच करेंगे, लंच पे आज वो चिकन ही बनाया है, और सुबह कुछ बनाया था कद्दू उद्दू का सब्ज़ी, तो मेनली वो चिकन ही है। मैं तो चिकन ही खाऊंगी, और मम्मी ने चिकन बनाया है आज। मम्मी के हाथ की चिकन बहुत अच्छी बनती है, मतलब मटन भी अच्छी बनती है लेकिन चिकन मतलब मम्मी के हाथ का मतलब स्पेशल वाला बनाती है। तभी लंच करूँगी परी को
लंच करा दिया उसे, अभी अपने दद्दू के पास रखूँगी, फिर हम लोग खाएंगे, फिर सुलाऊंगी, नहीं तो इसे पहले नहीं सुलाती हूँ, उठ जाती है मेरा खाने खाते खाते, नहीं तो मैं नहीं सो पाती हूँ। एक दिन तो इसे रख के सुला के हम लोग खाने गए और बेचारी गिर गई थी बेड से। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, लंच करने से पहले परी को लेके गया तो थोड़ा वक्त कर दी, और परी को देखिए मैंने आज कैसे काजल लगाया है। जीपटा ढुका हो सबा की बोल गए, जीप ढुक गई देखो, मेरे को बड़ो हो चल ना जीप बेर कर टाटा बोले दे टाटा। गुड इवनिंग एवरीवन, सो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मैं यहाँ पर अभी इवनिंग स्नैक्स खा रही हूँ, ये है प्याजी और ये है समोसा और ये है बहुत ही टेस्टी सा चटनी, और आज का चिकन बहुत ही यम बना था, मम्मी के हाथ का चिकन बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। तो चलिए आपके लिए बाय बाय।